हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन सीखेंगे। इन फिगर 10.36, जैसा फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी एंड सी, ओके, ये तीन पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे हैं, सेंटर ओ है, सच दैट बी ओ सी, ध्यान दोगे यहाँ पे, बी ओ सी 30 डिग्री है एंड ए ओ बी 60 डिग्री है। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि डी एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कि इस आर्क पे लाई नहीं करता है, है ना, ये आर्क है ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन आर्क। ओके, तो डी जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, तो जैसा फिगर में दिया हुआ है डी यहाँ पे है, बस इस आर्क में नहीं हो सकता। इफ डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने जो थियरम पढ़ा था उसमें एक थियरम ऐसा था लाइक दिस, दिस इज 2x एंड दिस इज x, ठीक है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे आर्क से जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, उसे हम, वो डबल होता है कोई भी एक पॉइंट जो कि सर्कल पे कहीं और बना हुआ है, ठीक है, उस आर्क को छोड़ के। इन शॉर्ट ये 2x होता है और कहीं और जो एंगल बना है वो x होता है, क्लियर है। तो चलो इस सम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री एंड एंगल एंड ए ओ बी इज 60 डिग्री। हमें क्या ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ए डी सी, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए डी सी। फिगर में ध्यान से देखो, यहाँ पे ए ओ सी दिस एंगल, ओके, ये कैसा होगा, ये डबल होगा when it is compared with this angle, okay, और ये कौन सा theorem से हमें पता चलता है, theorem number 10.8, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम theorem 10.8 या कोई भी theorem लिखते हैं ना, तो पूरा इसका statement लिखना ज़रूरी होता है full marks लेने के लिए। अगर सिर्फ तुम theorem लिख के आ जाओगे theorem 10.8 है तो वहाँ पे marks कटेंगे तुम्हारे, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा theorem लिखना होगा, ठीक है। इसलिए theorem का जो statement है you need to learn it, क्या है theorem 10.1, the angle, ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख दिया है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। कैसा होता है, जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना वो डबल होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल ए डी सी, दिस इज गिवन एज 60 डिग्री, दिस इज 30, 2 ए डी सी, देयर फोर दिस इज 90 इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल ए डी सी। तो अभी क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी विल बी 90 डिवाइडेड बाई 2, therefore ए डी सी इज 45 डिग्री, दिस इज़ वॉट वी नीड टू फाइंड आउट एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा।